रामसर साइट में शामिल करने भेजा गया शिवपुरी का एक और इंदौर के दो तालाबों के नाम। अब तक मध्य प्रदेश का एकमात्र भोपाल का भोज तालाब बना सका है जगह। पूरे भारत में मात्र 46 हैं रामसर साइट। रामसर के लिए प्रस्तावित प्रदेश की तीन जगहों में शामिल है शिवपुरी का सांखे सागर झील, मगरमच्छ होंगे ब्रांड एम्बेसडर। रामसर स्थल वो आर्द्र भूमिया हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय महत्व प्राप्त है। 1971 में ईरान के रामसर शहर में विश्व की आर्द्र भूमियों के स्थायी उपयोग और संरक्षण के लिए यूनेस्को के नेतृत्व में अंतरराष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। ये संधि 1975 से अस्तित्व में आई, इसे रामसर संधि भी कहा जाता है। इसकी सूची में विश्व की प्रमुख वेटलैंड्स को शामिल किया गया है। वर्तमान में भारत में इनकी संख्या 46 है और मध्य प्रदेश में एक सरकार का लक्ष्य इसे 75 तक ले जाने का है। साथ ही इसे देश में अधिक से अधिक पर्यटक आए और विश्व में करीब 7,000 रामसर साइट हैं। अब शिवपुरी में स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर की पुनर्स्थापना के पास एक और सौगात मिल सकती है। यहाँ पर मौजूद सांख्य सागर का नाम रामसर साइट में शामिल करने के लिए प्रस्तावित किया गया है। इसके लिए इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन एप्को के वैज्ञानिक दिनेश दामड़े नेशनल पार्क पहुंचे। वो यहां पर सांख्य सागर झील की बायोडायवर्सिटी और रामसर साइट के लिए जरूरी अन्य आवश्यकताओं की रिपोर्ट तैयार करेंगे। ये रिपोर्ट एप्को के द्वारा केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। यहाँ से रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय कमेटी के सामने रखी जाएगी। उनसे अनुमति मिलने के बाद इसका नाम रामसर साइट में शामिल हो जाएगा। रामसर वेटलैंड बनने के बाद सांख्य सागर को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। प्रदेश में सिर्फ एक ही रामसर वेटलैंड भोपाल का भोज तालाब है। मध्य प्रदेश से कुल तीन साइटों का नाम प्रस्तावित है। इसमें सांख्य सागर के साथ इंदौर का सिरपुर तालाब और यशवंत सागर भी शामिल है। शोध के लिए आए वैज्ञानिकों का कहना है कि सांख्य सागर में वो सभी तत्व मौजूद हैं जो रामसर वेटलैंड के लिए ज़रूरी हैं। रामसर वेटलैंड में शामिल होने के बाद दो जीवों को पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा। इसमें पहला जीव यहाँ के मगरमच्छ होंगे। सांख्य सागर में 15,000 से भी अधिक मगरमच्छ हैं जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं। इनके साथ ही एक अन्य जीव या पक्षी को इसमें शामिल किया जाएगा। इसका प्रस्ताव भी मिनिस्ट्री को भेजा जाएगा। इसके लिए सेलिंग क्लब पर बोर्ड भी लगाया गया है। दीपमाला, ये बताओ, केंद्र शासन के केंद्र शासन तुम्हारे कितने साल की नौकरी हो गई है अभी? भारत सरकार के निर्देशन अनुसार राज्य शासन से अनुमोदन के बाद अभी हमने भारत सरकार को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अनुमोदन के उपरांत दो वेटलैंड के नाम इंदौर से, जिसमें सिरपुर वेटलैंड इंदौर और यशवंत सागर वेटलैंड, दो वेटलैंड इंदौर से नाम भेजे हैं और एक वेटलैंड है शाख सागर जो कि माधव नेशनल पार्क शिवपुरी के अंतर्गत आता है। अभी तक एक मात्र भोपाल में है और दो इंदौर में प्रस्तावित है और तीसरी है, चार हो चौथी उम्मीद है कि कब तक ये शामिल। अब इसमें हो सकता है कि 3-4 महीने का समय लगेगा, उसमें हम पूरा प्रोसेस कर लेंगे और जानकारी भेज देंगे। फिर हमारे पार्ट पे कोई काम नहीं रहेगा, फिर शासन का काम है कि इतना जल्दी हो पाता है। थैंक यू। ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और बहुत ही महत्वाकांक्षी भी। निकट भविष्य में हम माधव नेशनल पार्क में एक सफारी बना रहे हैं और टाइगर का रीइंट्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ पहले टाइगर थे, इस समय फिर से हम रीइंट्रोड्यूस कर रहे हैं टाइगर को, तो उस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है।